आज की पीढ़ी के नौजवानों से 24-25 साल के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल बहुत गंभीर है और मेरे सवाल पर जरूर सोचिए। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की यह हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का, गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए।
बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्वार्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है। साथियों, जब बात खेलों की हो रही है तो मैं आज भारत की सर्वाधिक प्रतिभाशाली क्रिकेटरों में उनमें से एक मिताली राज की भी चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने इसी महीने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जिसने कई खेल प्रेमियों को भावुक कर दिया है। मिताली महज एक साधारण खिलाड़ी नहीं रही है, बल्कि अनेक खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रही है। मैं मिताली को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।